चारच्या पाच दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राचं वातावरण ढवळून निघालेलं आहे आणि या संपूर्ण चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेलं एक नाव म्हणजे जिग्नेश मेवाणी. जिग्नेश मेवाणी हा गुजरातमधला आमदार आहे. नुकताच तो महाराष्ट्रामध्ये येऊन गेलेला होता आणि सध्या तो दिल्लीमध्ये आहे. दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात एका नव्या बंडाची त्यानं घोषणा केली आहे. या संदर्भात आपण त्याच्याशी बातचीत करूया. जिग्नेश भाई, पहले तो मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए. आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, 1990 से भीमा कोरेगांव में प्रोग्राम हो रहा था, तब कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार आप उमर खालिद वहां पे आए और उसके बाद पहली बार हिंसा हो गई. बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की सरकार को ये एंश्योर करना चाहिए था कोई भी जाति और धर्म की सिटीजन के ऊपर किसी प्रकार की हिंसा ना आए. ये महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी निष्फलता है. जिन लोगों की जाने गई बहुत ही खराब, उन सारे लोगों के साथ हमारी सिंपति है. इसी के लिए एक भी प्रोवोकेटिव स्पीच हमने नहीं दिया. भीमा कोरेगांव भी नहीं गए, बंद कॉल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया. एक ऑडिटोरियम के अंदर हमारा कल मीटिंग पुलिस ने बंद करवाया, तब भी खामोश रहे. तो महाराष्ट्र की जनता, दलित समुदाय, सारे लोगों को जिग्नेश मेवाणी की तो एक ही अपील थी कि शांति बनाए रखी. बावजूद उसके मुकदमा मेरे ऊपर, जिन लोगों ने वायलेंस किया उसके सामने कोई कार्रवाई नहीं. जिसने पीस का अपील किया, जो हिंदू संगठन, जो हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है. मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े, इनके ऊपर भी एफआईआर. तो जिन लोगों ने वायलेंस किया उनके ऊपर एफआईआर हो, वो तो ऑब्वियस है. जिन्हें पीस का अपील किया, जो कानून और संविधान के दायरे में रहकर जनता की बात करता है, उसके सामने ऑफेंस. उससे क्या अचीव होगा? आप महाराष्ट्र के बेरोजगार युवा को रोजगार दे दो जिग्नेश मेवाणी को टारगेट करने के बजाय. महाराष्ट्र में एक भी किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आओ जिग्नेश मेवाणी को टारगेट करने के बजाय. गुजरात के एमएलए को टारगेट करके महाराष्ट्र में क्या फायदा होगा?